गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। मैडी जीरो टू हीरो ब्रेंच में आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर लेके आए हैं स्टेट लाइन। स्टेट लाइन अगर बोले तो उसमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो स्लोप के बारे में पढ़ना है। स्लोप जानना है कि स्टेट लाइन में पहले स्लोप पढ़ेंगे तब इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेट लाइन में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्लोप, एक इक्वेशन, सब कितना टाइप का इक्वेशन होता है। इसके बाद है ना डिस्टेंस, है ना पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस, अब भी मॉडल सेट में डाला है, अब जारी किया उसमें भी डिस्टेंस, पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस डाला। तो अगर मेरा बात अगर इसमें बात करें तो स्लोप ऑफ लाइन तीन तरह का होता है, ये बात याद रखना। अब उतना तो थ्योरी नहीं दे सकते, लेकिन इतना अच्छा थ्योरी दे देंगे कि आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो याद कर, स्लोप तीन तरह का होता है। अगर मान लो थीटा अगर पता होगा तो एम बराबर टेन थीटा लगता है। कब लगाना? जब थीटा पता होगा। चलो, और जब तेरे को दो पॉइंट पता होगा, जब दो पॉइंट समझ आ रहा है, उस टाइम वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ऊपर को वाई में घटाना है तो वाई वन में घटाओ या वाई टू में, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर में वाई और नीचे क्या लगाएगा? क्लियर है? कब लगाना? जब थीटा पता। कब लगाना? जब पॉइंट पता। और एक लाइन दिया है, मान लो सिंपल एक लाइन दिया है, तो उस टाइम स्लोप कैसे निकालते हैं? उस टाइम स्लोप कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। उस x के आगे वाला कोएफिशिएंट a और y के आगे वाला कोएफिशिएंट b है, और अपने से क्या लगा देना? माइनस। समझ आ रहा है? तो ये लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? x के आगे जो भी नंबर होगा, जो नंबर ही होगा, कोएफिशिएंट मतलब नंबर होगा, तो x के आगे मान लो दो है तो दो होगा, y के आगे पांच है नीचे पांच होगा, और क्या लगा देना? माइनस। तो स्लोप कितना प्रकार का होगा समझ में आया? Yes, अगर थीटा पता होगा तो क्या लगाएंगे? टेन थीटा। जब पॉइंट पता होगा तो क्या लगाएंगे? y ऊपर होगा, x नीचे होगा। और जब लाइन का इक्वेशन पता होगा, ये थीटा पता होगा तब, जब पॉइंट पता होगा दो पॉइंट तब लगा, और जब लाइन का इक्वेशन पता होगा लाइन लाइन तब x के आगे और y के आगे, तीन तरह का स्लोप होता है। तो देख लेंगे क्वेश्चन में किस तरह का स्लोप पूछा है। एक कंडीशन है, यदि दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, तो याद रखना दो लाइन अगर पैरेलल होता है ना, दो लाइन पैरेलल, तो इसका स्लोप बराबर होता है। समझ आ रहा है? इसका स्लोप क्या होता है? बराबर। तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो M1 M2 बराबर है, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। इस तरह से क्या है? परपेंडिकुलर है। तो उस टाइम M1 और M2 का गुना, दोनों लाइन का स्लोप का गुना किसके बराबर है? अगर M1 निकाले, मान लो इस तरह से कोई स्लोप निकाल ले और M2 निकाल ले, और दोनों का गुना अगर -1 के बराबर आ गया, M1 और M2 का गुना अगर क्या आ गया? -1 के बराबर आ गया। समझ जाना दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। M1 और M2 बराबर आ गया, जितना M1 मान लो एक लाइन है, इसका स्लोप 5 है और इसका भी स्लोप कितना है? 5 है। समझ जाना दोनों पैरेलल है, या तो फिर हम बोल सकते इसका 5 है, इसका भी क्या होगा? 5 पैरेलल है। अब परपेंडिकुलर में क्या करेंगे? दोनों का स्लोप गुणा करके क्या आना चाहिए? -1। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया कि अगर थीटा पता होगा तो क्या लगाना है? एंगल। थीटा पता होगा तब क्या लगाना है? थीटा। और जब दो पॉइंट पता होगा तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और जब लाइन पता होगा तो x के आगे और y के आगे, अलग अलग है। थीटा दो पॉइंट दो लाइन लाइन में स्लोप निकालो तो x के आगे और y के आगे और माइनस लगा दें, और जब दो लाइन पैरेलल होगा तो m1 इक्वल टू क्या होगा? और दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो m1 और m2 बराबर क्या लगाना है? चलो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, तब इक्वेशंस का बात करेंगे, सब इक्वेशन का फॉर्मूला बताएंगे, पहले इतना तो क्लियर कर ले। हाँ, अब एक बात बताओ, ये बोल रहा है ना कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन मैक्स मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ आ रहा? और ये थीटा जो होता है पता तो है, और वो भी थीटा पता होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज, मतलब ए थीटा पता होना चाहिए, ये पॉजिटिव एक्स है, और कोई लाइन ऐसे इधर से पॉजिटिव एक्स है एंटी क्लॉक वाइज, ओ थीटा पता होगा तभी स्लोप एम निकलता है। तो ये तो बोला है पॉजिटिव एक्स, मतलब पॉजिटिव एक्स अगर बोला है तो इसके मतलब थीटा है, तो चलो इसका स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा? एम बराबर थीटा अगर पता हो, क्या पता हो? थीटा। तो ये वाला लगा, ये ना लगाएंगे जी, समझ आ रहा? अगर थीटा पता हो क्या लगाएंगे? एम बराबर टेन थीटा, अभी बताया था। अगर ए वाला स्लोप लगेगा, अरे ए वाला, अरे ए वाला, समझ आ रहा? थीटा पता है
और जब दो पॉइंट पता होगा तो दूसरा लगेगा। तो अभी तो थीटा पता है, तो एन बराबर कितना हो गया टेन थीटा और थीटा कितना है साठ, और सबको पता है कि टेन साठ जो फील होता है तो एन मेरा निकल के तैयार हो गया। समझ आ रहा है? अगर हम इसका बात करें यहाँ भी थीटा पता है और स्लोप पूछता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा स्लोप का, तो याद कर थीटा मेरे को कितना पता है डेढ़ सौ, कितना पता है डेढ़ सौ, और हमको क्या निकालना है स्लोप। तो याद कर अगर थीटा पता हो तो स्लोप का देखिए लगाना पहला फॉर्मूला, क्या लगाना है पहला फॉर्मूला, क्या लगाना है पहला। अब याद कर एम बराबर थीटा कितना दिया डेढ़ सौ। देख मैं बात बताते हूँ, अगर नब्बे से कम था तो जल्दी एंगल जानते हैं, लेकिन नब्बे से अगर पार हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हाल फिलहाल बढ़ा है तो डेढ़ सौ का तुमको निकालना पड़ेगा, ये याद होता नहीं है। समझ रहे हैं? साठ पता था सबको, नब्बे तक याद रहता है, टेंथ नाइन्थ से याद रहता है, लेकिन डेढ़ सौ किसी को याद नहीं होता, हमको भी याद नहीं, खुद का मेरे को भी याद नहीं, तो इसको नब्बे से पार को निकालना पड़ता है। तो याद कर याद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 1820 765 समझ आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा एंगल किया हमको याद है 1170 था 1860 था, ये तो बहुत बच्चा वाला विषय है। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे एम बराबर, इसको लिख सकते हैं डेढ़ सौ को 90 प्लस नब्बे प्लस कितना 60 डिग्री, क्या गलत है? अब तुमको पता है कि अगर ऐसा लिख सकते हैं तो याद कर 90 पे चेंज होता है, 10 क्या हो जाएगा 90 पे चेंज, 10 प्लस में बढ़ा, और इसका काम है उतर जाए, इसका काम क्या है उतर जाए। तो दो काम तो ये नेसेसरी याद होना चाहिए, 90 पे 90 पे चेंज तो 10 कहाँ चेंज होता है पॉइंट, और इसका काम उतर जाए। तो बता 90 का काम क्या था चेंज, बस इतने का। तेरे लगा मुझसे पूछा था 90 कहाँ गया, 90 को बताओ यार, 90 का काम था कहीं चेंज करा जाए, क्या काम था चेंज, और इसका काम क्या था उतार जाए, चेंज उतार चेंज उतार, दो काम हो गया। लास्ट बोले थे क्वेश्चन में जरूर जाना क्या पूछा है, क्वेश्चन मेरा तो 150 डिग्री, अगर 60 डिग्री तो बाद में आया, अगर शुरू में 60 रहता तो इतना झमेला नहीं था। समझ आ रहा है क्या बोले, एक क्या आ गया 150, तो 90 पे चेंज, इसका काम उतर जा रहा है, लास्ट दो काम करने के बाद कहाँ जाना, जो हम लोग का ओरिजिनल जो एंगल पूछ रहा है वो 150 पूछ रहा है, तो 150 में चले जाना। अब याद कर कितना होगा 150 डिग्री, याद कर 90 रिसोर्स से यहाँ होता है, और 150 डिग्री जो होता है वो सेकंड घर, और सेकंड घर पता है कि साइन और कोसेक का घर होता है, तो 150 को ढोना चाहिए जिसका घर है, साइन को ढोना चाहिए, लेकिन 150 को कौन ढोरा है टेन, कौन ढोरा टेन, इसीलिए यहाँ माइनस। अच्छा 150 अगर सेकंड घर है तो साइन कोसेक को ढोना चाहिए उसका आदमी है, तो यहाँ टेन का अगर थर्ड है और थर्ड घर में 150 है नहीं और ढो रहा है वो तो मार खाई नहीं। अब याद कर कोण 60 पता नहीं है तो 10-30 पता होना चाहिए, 10-30 कोण 60, 10-60 कोण 30, याद कर 10-30 होता है 1/3, आपके सामने देखो क्या आ गया, क्या समझ आ रहा है, फिर याद रखना 90 पे चेंज ये उत्तर, दो काम हो जाएगा ना, तो वापस कहाँ चले जाएंगे क्वेश्चन का 150 जो पूछ रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसको देख रहा है, तो 150 डिग्री सेकंड घर में था और सेकंड घर साइन और कोसेक का है, अगर यहाँ साइन होता है बाबू तो यहाँ क्या हो जाता पॉजिटिव, समझ आ रहा है? अब देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, दो पॉइंट दिया हुआ, अगर स्लोप पूछेगा दो पॉइंट देगा तो ए वाला फॉर्मूला लगेगा, समझ आ रहा है? तो वो कब लगाए, जब थीटा पता है, और जब दो पॉइंट पता होगा तो कौन वाला लगाना है दूसरा, क्लियर है? चलो याद कर ए मेरा पॉइंट एक्स वन हो, ए मेरा वाई वन, ए मेरा एक्स टू हुआ, ए मेरा वाई टू, तो याद कर एम बराबर अगर निकाले तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे निकाले, ऊपर में किसको लिखना है y2, तुम y1 में y2 घटाओ इससे कोई फर्क नहीं, या y2 में y1 घटाओ इससे कोई फर्क नहीं, बस फर्क है कि ऊपर y घटना चाहिए। अब याद कर m बराबर y2 कितना आ जाता है, y2 यहाँ साफ साफ दिख रहा है माइनस टू, और y1 क्या माइनस टू, हाँ तो ये माइनस टू मेरा पहले से, और y1 क्या है माइनस टू, क्या हो प्लस दो, और x2 कितना है साथ, x2 कितना है साथ, और x1 कितना है तीन, है ना, ये कितना है माइनस थ्री, यही ना है जी, याद करें जीरो बटे क्या हो गया चार, जीरो बटे क्या हो गया चार, जीरो बटे चार मतलब जीरो, क्या समझ आ रहा है, जीरो बटे चार मतलब जीरो, ऑप्शन क्या हो गया। चलो बहुत अच्छा है, अभी यहाँ पे थ्री लिखवाए थे, अब पूछ रहा है कि दो लाइन क्या है, तो स्लोप कैसे निकालना है, तो अभी दो क्वेश्चन से बनाए, लेकिन इस बार थीटा कहीं दिया नहीं, क्या दिया दो पॉइंट, जब दो पॉइंट देगा ना तो ए वाला यूज करते हैं,
वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस क्या वाई वन, वाई टू माइनस क्या करते हैं वाई वन। हेलो हेलो कौन इस बार थीटा पता नहीं क्या पता है दो पॉइंट, दो पॉइंट का मतलब क्या लगाते हैं ऊपर में वाई टू माइनस वाई वन, ऊपर में वाई टू माइनस वाई वन और नीचे एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वाई टू मेरा कौन है जी चार, वाई वन कौन है जी है ना प्लस, क्या ऐसा होगा क्या अगर वाई टू चार है वाई टू के जगह क्या बैठे चार, तो वाई वन मेरा क्या माइनस दो, क्या वाई वन माइनस दो, वाई वन क्या है माइनस दो, माइनस दो और यहाँ माइनस क्या होगी प्लस, समझ में आ रहा है एक्स टू कितना है माइनस वन, एक्स टू क्या है माइनस वन और x1 कितना है समझ में आ रहा है, तो कितना निकल के आ गया मेरे देखा जाए 6 माइनस 4 अरे कट जाएगा दो तीन चार दो दिया छह तो याद कर 3 बाई माइनस 2 आया तो माइनस 2 माइनस को तुम ऊपर भी ले जा सकता है तो ऑप्शन देखो क्या सी क्या समझ आ रहा है, दो पॉइंट दिया रहेगा तो ऐसे बनेगा। अच्छे बात बताओ अब आगे स्लोप का दो तीन बताए थे, एक थीटा पता रहेगा टेन थीटा लगेगा, जब दो पॉइंट पता होगा तो वाई टू माइनस वाई वन ऊपर 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 कहा ऊपर, समझ आ रहा है। और इसके बाद एक और बताया था लाइन, तो ऐसा तो अभी आया नहीं है ना, थीटा वाला आया और दो पॉइंट वाला आया। अब याद कर दो कंडीशन बताती थी, जब दो लाइन पैरल हो तो एम वन और एम टू, एम वन बताता है पहला लाइन, एम टू बताता है दूसरा, दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए बराबर, ये ना होता है दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए बराबर। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर क्या हो एम वन और एम टू, दो लाइन का एम वन और एम टू गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए माइनस, क्या आना चाहिए माइनस। तो याद ए लाइन और ए लाइन जो अभी बाकी थी कौन वाला स्लोप, दो को स्लोप किया थीटा पता था टेन थीटा लगाया, दो पॉइंट पता था तो वाई टू माइनस वाई वन लगाया। याद करें लाइन में बताए थे कि एक्स क्या आ गया और वाई क्या आ गया, अभी तक यूज नहीं, अब आ जाएगा देखो लाइन में बोल रहा है दोनों क्या है परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले बात सोचो परपेंडिकुलर होगा तो m1 निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होगा तो m2 निकालना पड़ेगा और दोनों का गुणा क्या आना चाहिए माइनस। तो सबसे पहले गुणा तो बाद में करेंगे, पहले तो m1 तो निकले, तो याद क्या थीटा पता था तो टेन थीटा लगाया, जब दो पॉइंट पता था y2 माइनस y1 लगाया, x2 माइनस x1 लगाया, दो पॉइंट वाला हो गया। एक लाइन वाला बताए थे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, लाइन अगर लेगा x के आगे और y के आगे और माइनस लगा खुद से माइनस, ये वाला स्लोप अभी तक यूज नहीं हुआ, थीटा वाला यूज हो गया, दो पॉइंट वाला यूज हो गया, लेकिन लाइन वाला यूज नहीं हुआ, अभी लाइन दे दिया लाइन है ये लाइन है, तो याद कर यहां से भी अगर ये लाइन दिया हुआ क्या दिया हुआ लाइन, तो ए लाइन से 3x माइनस 4y समझ रहे हो, नाइन इक्वल टू क्या दिया तो इसका स्लोप अगर लाइन क्या आया थीटा पता है थीटा पता है, अगर थीटा पता है तो मुझे लग रही है क्या, अगर दो पॉइंट पता है अगर दो पॉइंट पता है तो मुझे लग रही है क्या, मतलब लाइन है, लाइन में अभी बताए थे तीसरा स्लोप, एक सब स्लोप में बताए एक थीटा दो पॉइंट एक लाइन, तो तीसरा लग रहा है, दो तो हम लोग बना चुके हैं, तो एक्स के आगे थी वाई के आगे माइनस, तो याद रखना वाई के आगे माइनस हो या प्लस हो या एक्स के आगे जो है सब लिखना है और एक माइनस एक तरह एम वन आ गया समझ आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरा लाइन क्या है एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फाइव इक्वल टू क्या हो गया जीरो, ये दूसरा लाइन, तो दूसरा लाइन से स्लोप दूसरा स्लोप निकल, तो याद कर अगर एम टू का बात करें तो एक्स के आगे ए है इस बार ये वाई के आगे क्या है छह, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो बता दो तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पहले थीटा दिया तो थीटा लगा, इस बार क्या दिया था लाइन, तो लाइन जब दिया तो एक्स के आगे वाई के आगे और अपने से माइनस तीनों आ गया, थीटा वाला भी आ गया सामने दो भाग के सामने दो पॉइंट वाला भी आ गया और जब लाइन देगा स्लोप ऐसे निकलेगा। अब बता दो अब क्या बोला, दो लाइन परपेंडिकुलर अगर पैरेलल बोलता तो M1 और M2 बराबर होता है, पैरेलल में क्या होता है M1 इक्वल टू M2, परपेंडिकुलर बोला है तो M1 और M2 का गुणा माइनस वाई, तो याद M1 गुणा M2 बराबर क्या करें माइनस वाई, तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर में ही फॉर्मूला लगेगा। अब पैरेलल होता क्या लगाते हैं M1 इक्वल टू M2, परपेंडिकुलर होगा क्या लगाएंगे M1 गुणे M2 बराबर, और M1 कितना है 3/4
एम टू कितना है माइनस थ्री बटे सिक्स, अरे कितना माइनस, तो सबसे पहले माइनस किया ध्यान में क्या तीन दूरी छह गया तो ए कितना बचा, ए बराबर आठ, नीचे क्या बचा ए अपॉन एट इक्वल टू कितना हो गया ए बराबर कितना गया, क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन मेरा क्या होगा बी नंबर क्लियर है। सेम क्वेश्चन हम जान के दो दिए ताकि थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए, कोई बंदा यहाँ नहीं सीखा होगा यहाँ तो सीखेगा ना। आज फिर यहाँ अगर हम बनाते देखो, पहले दो लाइन दिया हूँ, थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस सात इक्वल टू क्या ऐसा दिया है, और जब ए लाइन दिया है तो लाइन सीधा निकालेंगे एम वन बराबर एक्स के आगे थी वाई के आगे चार नहीं माइनस साइन ले बताओ माइनस चार और अपने से क्या लेते हैं ये कट गया, और दूसरा लाइन देखो दूसरा लाइन क्या दिया ए एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया जीरो, समझ आ रहा है। यहां से अगर एम टू निकाले तो एम टू बराबर एक्स के आगे माइनस माइनस और वाई के आगे सिक्स, ये माइनस कटेगा नहीं बल्कि एक को माइनस, समझ आ रहा है। और यहाँ पे क्या था ये माइनस वाई के आगे वाला था, अरे हम और यहाँ पे एक्स के आगे ए और वाई के आगे छे और माइनस ये लॉन्ग दिए। अब याद कर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर क्या है क्या करते हैं एम वन गुना एम टू बराबर ए लगा देंगे और ए लगाने से अपने ए फेंक देगा पैरेलल होता तो एम वन इक्वल टू एम टू लगा देते। अब बता एम वन कितना है तीन बटे चार और ए आया ए बटे सिक्स इक्वल टू क्या ये गया या नहीं ये कितना है तीन दुना छह ए बराबर आठ इक्वल टू वन, यहाँ से भी एक अबल कितना है इस दोनों आंसर क्या गया सिक्स, ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन तेरा ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन का, अभी अभी हम लोग स्लोप खत्म किए और पैरेलल और परपेंडिकुलर खत्म किए इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन कितना टाइप का होता है। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन कितना टाइप का होता है, अभी हम लोग स्लोप पढ़े अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। चलो पहला पॉइंट स्लोप पहला क्या पढ़ेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म का अगर बात करें तो कभी भी क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया गया क्या दिया गया आराम से इक्वेशन थोड़ा समझना पड़ता है, एक पॉइंट दिया गया एक एम दिया गया और पूछेगा कि आप बता दीजिए लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो याद कर अगर कोई पॉइंट दे दिया यहाँ देखो एग्जाम्पल के साथ अरे एम दे दिया मान लो दो, तो कुछ नहीं करना ये तेरा एक्स होता है क्या होता है एक्स और ये तेरा क्या होता है वाई, पता ही नहीं होता। तो याद रखना ये कौन होता है वाई, तो एक देख लो ये वाई होता है और ये क्या होता है ये तेरा एक्स होता है ये तेरा वाई, तो याद कर ये तेरा वाई में घटेगा वाई को वाई बनेगा वाई को वाई वाई, समझ आ रहा है। और इधर एक्स वाला को ये एक्स होता है तो एक्स के साथ घटा, अरे कभी पढ़ा हुआ टेंथ क्लास में एक्स होता है वाई होता है, तो वाई वाला को वाई में बैठाना और एक्स को एक्स, तो टू भी एक्स है और एक्स भी एक्स है क्लियर है। और आगे चुपचाप से मुंह था क्या दे देना समझ आ रहा है। तो तेरा एम क्या हो गया जी एम क्या हो गया इक्वेशन वाई को वाई में घटाएंगे वाई को वाई में घटाएंगे एक्स में एक्स वाई में वाई घटाएंगे एक्स में एक्स वाई में वाई घटाएंगे एक्स में एक्स और आगे तक क्या लगा देंगे कब ये लगाना है जब एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो तो क्या करेंगे वाई में वाई एक्स में से एक्स और आगे क्या लगा दें एक पॉइंट और एक स्लोप का कहानी ये था। अब आगे देखो टू पॉइंट्स हो गया, अब स्लोप को रिप्लेस कर दिया स्लोप की जगह में वो फिर एक पॉइंट ला दिया जहां पे क्या किया पहले एम पता था उसके जगह में क्या ला दिया एक दूसरा पॉइंट ला दिया और एम को गाइड कर दिया बोला बता दो इक्वेशन क्या हो। तो एक बात बताओ अभी तुमको पढ़ाए थे अगर एक पॉइंट बताओ क्या बताओ पॉइंट और एम बताओ तब तुम बोला यही बोला याद होना चाहिए अगर उसको निकालना है तो वाई में वाई मान और एक्स में से एक्स ये कब लगाते हैं जब एक पॉइंट पॉइंट और स्लोप यहां क्या पता है एम एक पॉइंट एक्स स्लोप समझ आ रहा है। तो याद कर एम का स्लोप तीन तरीके से होता है एक बताए थे टेन डिफरेंट एक बताए थे जब दो पॉइंट पता हो तो ये वाला लगा वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन और एक बताए थे कि जब लाइन पता हो तो ए बाय बी एक्स के आगे वाई के आगे स्लोप तीन प्रकार का। दूसरा बात
अगर एक पॉइंट एम पता था तो यहाँ एम रखा, एक पॉइंट पता था और एक क्या पता था एम, इस तरह से वो पहला क्वेश्चन yes. तो कुछ नहीं करना, अगर दो पॉइंट होगा तो एम तो दिया नहीं, तो एम के जगह में दो पॉइंट वाला एम, एम के जगह में दो पॉइंट वाला स्लोप बैठा दिया yes. नहीं समझा क्या बोला हम, बोले जब तेरे को क्वेश्चन में एम पता था yes. क्या पता था yes. अब तक एम रहा yes. अब एम पता नहीं उसके जगह क्या पता है एक्स टू वाई टू पॉइंट पता है तो याद रखना एम के जगह कौन जगह रहेगा वाई वन याद करके तो जगह ले नहीं सकता है nice. अगर एम का जगह लेगा तो उसी का आदमी कोई लेगा yes, तो एम का कौन वाला लेगा तो पॉइंट वाला था तो बस वाई टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन खाली ये तो पहले जान था और एक क्या हो गया एक्स माइनस एक्स वन ये दो पॉइंट होगा एक पॉइंट में एम बैठेगा yes, अगर दो पॉइंट दिया yes. अगर दो पॉइंट दिया तो एम है ना क्या बोलते एक पॉइंट दिया रहेगा तो एम बैठेगा एम एम दिया एक पॉइंट और एम दिया रहेगा एम बैठेगा yes. अगर एम को हटा के क्या बैठा दे दो पॉइंट yes. तो हम भी एम के जगह हम जानते हैं कि एम के बदले में ये होता yes. तो एम को हटा के दो पॉइंट हम भी बैठा दे yes. समझ में आ रहा है तो एक पॉइंट पर एक एम के लिए ई बनाए अगर तुमको दो पॉइंट दिया क्या दिया दो पॉइंट तो एम नहीं दिया एम नहीं जब तक एम दिया था तब तक एम और एम हटा के क्या दिया दो पॉइंट तो हम भी एम का कौन हो बैठेंगे दो पॉइंट हो ए याद है ए याद है अच्छा हमको एक पॉइंट हमको एक पॉइंट और एक स्लोप याद है अब हम देखे एम नहीं दिया तो एम हटा के हम भी दो पॉइंट वाला बैठा चलो बहुत अच्छा ये दो इक्वेशन दिया तीसरा इक्वेशन बोलता है स्लोप इंटरसेप्ट कुछ नहीं याद रखना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी समझ आ रहा है एक पॉइंट वाला जान लिया y में y1 x में से x1 और आगे क्या लगते हैं m दो पॉइंट वाला में क्या लगते हैं m को हटा देते हैं ठीक है इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप मतलब एक m पता होगा और इंटरसेप्ट मतलब c c c c c उसको बोलते हैं यहाँ क्या पता था पॉइंट और स्लोप और यहाँ क्या पता है स्लोप और इंटरसेप्ट मतलब पॉइंट को हटा के डाल दिया इंटरसेप्ट तो बोला कि बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा तो बता दो पॉइंट और एम का जाने अब क्या जाने सी और एम का जाने तो कुछ नहीं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम तो स्लोप ही बताएगा और वाई बता सी बताता वाई में कितने पग है मान लो कोई लाइन जाओ और वाई में अगर पांच सी के जम पांच होगा सी के जम क्या होगा पांच चलो ये समझ में आ गया चलो आगे इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या था स्लोप इंटरसेप्ट आधा स्लोप पता होगा आधा वाई कट पता होगा आधा स्लोप पता होगा आधा वाई कट या एक्स कट पता नहीं होगा वाई कट पता होगा अब बोला कि इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इसलिए बोला ना उजा रहा था कि इसमें पूरे कट होगा तो मान लो सपोज एक्स में कट हुआ तेरा है कितना कट हुआ मान लो यहाँ से यहाँ लेंथ तेरा चार है तो एक्स के नीचे चार बैठा मतलब एक्स एक्स में जितना कट करेगा तो एक्स के नीचे बैठा और वाई में अगर मान लो दस कट किया तो वाई के नीचे दस मतलब एक्स के नीचे एक्स कट बैठा वाई में कितना कट हो रहा है इंटरसेप्ट मतलब होता है तो एक्स के नीचे एक्स कट बताओ वाई के नीचे इंटरसेप्ट चौथा हो गया एक बचा नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म होता है एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी कोई नया चीज नहीं और ये एक लाइन जा रहा है ठीक है और ये एक ओरिजिन है ओरिजिन से लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लाइन और ओरिजिन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी ये दिया है वहां लिखेगा क्वेश्चन में कि ओरिजिन से लाइन तक के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पांच है यहाँ पांच बैठा है ठीक है और अल्फा जो है अल्फा ये देखो पॉजिटिव एक्स है अब पॉजिटिव एक्स से जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर है ना पॉजिटिव एक्स से परपेंडिकुलर के बीच में कितना एंगल बना रहा है तो अगर ये एंगल दे देगा ऐसे लिखे क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड कहां लाइन समझ आ रहा है डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड लाइन तो समझ आ रहा है दिया है और फिर बोलेगा एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स विथ परपेंडिकुलर तो समझ जाना अल्फा ये अल्फा बैठा है हमको लगता है क्लियर हो गया होगा अगली बार क्लियर पॉइंट एम पता होगा इसको बोलते हैं पी एम तो वाई में वाई वन एक्स हमको पूरा याद हो गया मान लो पॉइंट दिया तो वाई में वाई वन एक्स में आगे एम बैठा है अगर एम हटा के दो पॉइंट दिया एम हटा के क्या दिया तो एम एम फिर क्या फायदा तो एम का तो तीन वैल्यू जाना तो थीटा वाला बैठेगा नहीं तो एम का कौन वाला बैठेगा दो पॉइंट वाला तो m का जगह कौन लेगा उसी का y2 माइनस इसके बाद पढ़ा सो c pm पढ़ा अब क्या पढ़ रहे हैं इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है c है ये क्या हो गया इंटरसेप्ट c अरे क्या हो गया c है तो cm जब पढ़ेगा pm पढ़ लिया c cm में y कट और m मतलब सलोप
चौथा नंबर पढ़ा कि दोनों में कट, इसमें एक कट था खाली वाई कट बताएगा, और इसमें दोनों कट बताएगा एक्स के नीचे कितना कट किया, वाई के नीचे कितना कट, और इसमें बताएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है और एंगल कितना है। ये लगता है कि हमको समझ में आ गया होगा, अब इतना समझ गया तो बहुत आगे निकल गया। एक लास्ट इस पे पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन, इसके बाद मेरा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी अभी हम लोग इक्वेशन टाइप्स ऑफ इक्वेशन देखेंगे, पांच टाइप का होता है, और आज पहला इक्वेशन का बात करेंगे। तो हम पहले बोले थे अगर एक पॉइंट और एक स्लोप ऐसा जब पूछेगा तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y में से y वाला y अपने से लेना, और ये y को नहीं देना 6, तो y को y में लेना, और x में से x वाला लेना 5, पॉइंट का यूज कर लिया, एक पॉइंट का यूज हो गया, और आगे तक क्या रख लेना है m, आगे से क्या रख लेना है, तो ये तरह क्वेश्चन आ गया। वैसे तो ऑप्शन यही है, ऑप्शन तो ये नंबर है, लेकिन हो सके एग्जाम में ऐसा ऑप्शन ना दे, पूरा इक्वेशन देगा इस टाइप से, तो क्या करना, इसको सॉल्व कर देना, ये अंदर जाएगा तो 2x और कितना हो जाएगा 10, समझ में आ रहा है। अब तुमको भी पता है कि कभी भी इक्वेशन बनाएगा तो x को पॉजिटिव साइड है, तो x पॉजिटिव है तो y इधर है, मतलब किसी भी हाल में इक्वेशन किधर ले जाओ x पॉजिटिव है, तो हम सोचे कि 2x तो पॉजिटिव है, ये y को इधर ले, ये y, अब -10 इसका पहले से तो y के चक्कर में इसको भी आना पड़ेगा, तो याद कर प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि -10 तो इधर है, 6 वाला एक आ गया 2x माइनस y माइनस 4, दिस इज ऐसा भी लैंग्वेज क्वेश्चन हो सकता है। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, आ गया सेम क्वेश्चन दोबारा, दो क्वेश्चन जानते थे, तेरा एक पॉइंट क्या पता है, पॉइंट क्या पता है, माइनस 2.3, ये पॉइंट और स्लोप इस बार ग्रेडियंट का कोई स्लोप नहीं होता है, इस बार क्लियर स्लोप पहले ग्रेडियंट देख के फंसाना चाहता है, जान ली कि स्लोप है तो समझ गया कि अब जान ली अब स्लोप है, एम बराबर माइनस, तो फिर देखो एक पॉइंट और एक स्लोप क्या पता है, एक पॉइंट और बी एम पता है, याद कर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर निकाले वाई में से ये एक्स होता है तो वाई होता है, तो वाई में से किसको बैठा वाई में रखो, समझ आ रहा है, और एक्स में से किसको बैठा एक्स वाला, एक्स वाला जब बैठाएंगे तो खुद है माइनस, तो समझ आ रहा है खुद क्या है माइनस 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 क्या होता है, समझ आ रहा है माइनस माइनस क्या होता है, चलो और आगे आगे साइड क्या रख देना मुंह तक माइनस, वाई में वाई घटा वाई में वाई घटा वाई में वाई घटा एक्स में एक्स घटा, एक्स खुद है माइनस लेके जा रहा है और हम घटाएंगे प्लस हो जाएगा, और स्लोप कहाँ रखना आगे वाई में वाई और एक्स में एक्स और आगे स्लोप, तो देखो इस बार तो आंसर नहीं है, पिछला बार तो डायरेक्ट लिखा आंसर आ गया, तो पहले बोले थे कि अगर इस तरह से आंसर नहीं होगा तो तुम क्या करना, देखिए तुम क्या करना वाई माइनस थ्री ये अंदर डाल तो माइनस फोर एक्स माइनस कितना हो गया, समझ आ रहा, तो देखो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव था तो वाई को आना पड़ा और इस बार उनका एक्स नेगेटिव है, हम बोले थे इक्वेशन ऐसा बनाना कि एक्स को पॉजिटिव बना, चाहे एक्स को जिधर जाना था तो एक्स इधर आएगा तो फोर एक्स वाई इधर रहेगा एक्स से आ रहा है वाई हो जाएगा और माइनस थ्री इधर और एक्स इधर आ रहा है एक भी इधर आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस वाई कितना हो गया पांच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देख लो ऑप्शन के लिए फोर वाई फोर एक्स ए नंबर का ए नंबर क्या समझ आ रहा है, हम लोग दो क्वेश्चन देखा कि पॉइंट पर क्या किए वाई में वाई वन एक्स में एक्स वाई में वाई वन एक्स में एक्स वाई में वाई वन एक्स में एक्स आगे क्या है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट, दो पॉइंट दिया तो जब दो पॉइंट दे ना तो डरना नहीं है, तुम एक पॉइंट वाला इक्वेशन याद है, अब एक पॉइंट वाला याद है, 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 चलो एक पॉइंट वाला जब याद है तो हम लोग को वही लिखना है। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट वाला जो फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला यूज किए थे y में y1, x में x1, नहीं सर आगे क्या रखे, एक पॉइंट वाला ही, तो देखो y में y1 घटा है, y1 एक है, तीन घटा है, y y किसको घटा है, y y y1 हो गया, इसको तुम बोल सकते हो x1 और क्या बोल सकते हो y1, तो देखो y में y1 घटा है, x में किसको घटा है, x1 घटा है, प्लस हो गया और आगे क्या रखे है, तो इस स्लोप ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, एक पॉइंट, तो कभी भी दो पॉइंट के लिए पूछेगा ना, दो पॉइंट के लिए तो हमेशा एक पॉइंट वाला याद रखना, एक पॉइंट वाला, एक पॉइंट वाला, तो वाई में से वाई वन और एक्स में से एक्स वन, यानी क्या एक्स में से एक्स वन, और आगे क्या करेंगे, तो हमको एक पॉइंट याद, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि अगर दो पॉइंट दे रहा है तो भी तेरे एक पॉइंट वाला याद है जो भी सवाल बन रहा है। तो सुनो इस बार सवाल में तो दो पॉइंट माइनस वन, और क्यों तेरा क्या टू कॉमा माइनस टू है ना, पता है और तुमको पता है कि ई पॉइंट एक्स वन ई पॉइंट ए पॉइंट एक्स टू, अच्छा दो पॉइंट रहेगा एक्स वन एक्स टू तो लिखना पड़ेगा। अब बताओ एक या इस लाइन को एक पॉइंट चाहिए वाई वन, एक पॉइंट चाहिए एक्स वन और एम चाहिए, जबकि एम पता नहीं, एम पता नहीं, तो याद कर एम का पता है तीन फॉर्म थीटा दो पॉइंट, तो यहाँ जब दो पॉइंट है एम वाला एम के जगह में थीटा मत बताना, टेन थीटा दो पॉइंट वाला बैठा नहीं समझ में, सवाल क्या दिया दो पॉइंट, सवाल क्या दिया दो पॉइंट, और हम इक्वेशन जानते हैं एक लाइन का एक पॉइंट वाला, तो वाई में वाई वन एक्स में एम लिखते हैं, हम लोग को एक ही पॉइंट वाला पता है, तो इसका इक्वेशन पता है एक पॉइंट और एक सौ, एक पॉइंट और ये पता है, तो हम एक पॉइंट और एक सौ रुपये वाला याद है, दो पॉइंट वाला तुमको याद भी नहीं होगा, एक पॉइंट एक सौ रुपया कितनों तेरे को दो पॉइंट पूछे याद क्या रखना है, हम बोले हाँ यार पिछला बार चलो एम दिया था, पिछला बार क्या दिया एम दिया था, तो चलो यहाँ ये लगाना है एम का एम बैठा दिया, क्या इस बार एम दिया है, एम के स्थान पे तो एक पॉइंट बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया पॉइंट बढ़ा, तब हम सोचे कि एम भी यहाँ नहीं चलेगा, तो एम को हम क्या करेंगे वाई माइनस वाई, तो एम नहीं दिया तो एम का बहुत फॉर्मूला है स्लोप तीन बताया थीटा वाला दो पॉइंट होगा, यहाँ थीटा नहीं तो थीटा टेन थीटा बैठेगा नहीं एम का स्थान पर, तो कौन बैठेगा वाई, ये ना बैठेगा एम का जो बताया वाई टू माइनस वाई वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, अब ये अपना क्या है एक्स माइनस ये होगा, क्या समझ आ रहा है, तो अब सिंपल बोल रहे हैं निकल जाएंगे, अगर कभी भी दो पॉइंट दे तो पहले एक पॉइंट वाला इक्वेशन लिखेगा वाई वाई एक्स माइनस एक्स वन आ गया, हाँ अगर एम नहीं देगा उसके जब क्या देगा दो पॉइंट, एम का तीन वैल्यू बताया तो एम के स्थान पे हो तीन वाला बैठा दे, समझ आ रहा है, एम दिया ठीक है एम नहीं दिया दो पॉइंट वाला बैठा दे, जो कि चीज याद है, अब याद कर यहाँ क्या है, अब वाई वन के जब बैठा क्या बैठाएंगे वाई वन कौन है वन, फर्स्ट पे बैठाते जब कुछ नहीं फर्स्ट फर्स्ट बैठा वाई टू कौन है माइनस चार, वाई वन कौन है वाई टू जी माइनस चार, वाई वन कौन है वन, बहुत अच्छा x2 कौन है दो, समझ आ रहा है x1 कौन है माइनस प्लस वन है और x माइनस क्या हो जाएगा x1 x1 कौन है माइनस वन, अरे भैया y1 की जगह में बैठा वन फिर बैठा y2 की जगह माइनस y1 की जगह वन बैठा दिया, अब x2 कौन हो गया दो, x1 कौन हो गया माइनस वन फिर प्लस वन हो गया और x1 फिर आया फिर x2 माइनस वन, क्या समझ आ रहा है, ये आ गया y माइनस वन माइनस पांच बटे थ्री, पांच गुना हुआ माइनस पांच एक्स और माइनस, क्या समझ आ रहा है, अब बताओ बोले थे कभी भी इक्वेशन सही करना है x पॉजिटिव होना चाहिए, तो 5x को इधर ले आओ, ले आया तो 3y किधर है, अच्छा x जब आ रहा है तो y इधर है, जब वही आ रहा है तो क्यों जाएगा, या तो वो आ या तो इधर से जाए, और माइनस भी इधर रहेगा उधर से आ रहा है ये 5 हुआ, तो याद कर इक्वल टू कितना हो गया 0, तो 5x + 3y
प्लस टू इक्वल टू मान रहा नहीं तो तेरा आंसर क्या होगा फाइव एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू ऑप्शन समझ आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिर्फ एक। अच्छा एक पॉइंट का एक स्लोप पे करवा दो क्वेश्चन फिर क्या करवा रहे दो पॉइंट तो हम लोग को पता है कि फिर दो पॉइंट रिविजन हो रहा है तो दो पॉइंट आएगा लेकिन याद रखना है ये बोला एक पॉइंट एक स्लोप अगर एम दिया है ठीक है और एम नहीं दिया तो फिर दो पॉइंट दिया तो दो पॉइंट वाला स्लोप बैठाएंगे। स्लोप का वैल्यू होता है थीटा टेन थीटा रहेगा टेन और दो पॉइंट का स्लोप पता है तो एम दिया है तो ठीक है और एम नहीं दिया है तुरंत बदल लेंगे सिचुएशन के हिसाब से। अगर यहाँ एम दिया था तो एम ही रखे और यहाँ एम वाला लगाएंगे एमएम लगाएंगे दो पॉइंट हम अलग से याद नहीं रख सकते मेरे पास इतना दम नहीं है। हम एक पॉइंट याद है वाई माइनस वाई वन इसमें भी काम कर गया और वही चीज इसमें भी लगाएंगे लगा तो ठीक है ना तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर देंगे। याद पहले क्या दिया पॉइंट पी दिया वन माइनस वन और क्यू दिया थ्री कॉमा ऐसा और तुमको भी पता है ये तेरा x1 है ये तेरा y1 ये तेरा x2 है y3 समझ में आ रहा है। अब यहां पे दो पॉइंट दिया लेकिन हमको एक ही पॉइंट वाला इक्वेशन याद है इसका होगा इधर होगा यस इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 और n x - x2 तो देखो हमको तो याद है एक पॉइंट का एक स्लोप पहला वाला इक्वेशन एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक m पता होना चाहिए। जब देखिए यहां पे कहानी तो m दिया ही नहीं एम तो कुछ नहीं करना है याद यही रखें। तो जब देखें कि एम के जगह में एक पॉइंट दे दिया जबकि पहले पी और एम देता था लेकिन अब एम के जगह क्या दे दिया एक पॉइंट तो भैया सिचुएशन के हिसाब से एम भी हटा दें तो एम हटाने का मेरे पास तीन ऑप्शन है थीटा दिया है क्या टेन थीटा शुरुआत में बताएं कि एम क्यों है तो याद करें अगर एम नहीं दिया तो एम हटा दो एम का वैल्यू यहाँ दो पॉइंट होगा तो एम का वैल्यू दो बताएं एक टेन थीटा और एक बताया वाई टू माइनस तो देख लेंगे अगर दो पॉइंट है तो एम के जब ई बराबर नहीं समझ आ पा अगर थीटा होता ई बराबर तो सिचुएशन के हिसाब से हम क्या बढ़ेंगे इस सवाल में इस सवाल में क्या था एम पता था तो वाई वन एक पॉइंट भी पता था कहा है एक पॉइंट भी पता था एक एम पता था तो सेम इक्वेशन यहाँ लगा है जहां पे एम पता था लगा दिए और जहां एम नहीं पता उसके जहां पॉइंट पता है तो एम एम को भी सिचुएशन के हिसाब से बदल देंगे क्या बदलेंगे एम का दो तीन फॉर्मूला होता है थीटा दो पॉइंट एक लाइन तो लेकिन यहाँ एम वाला कौन लगेगा यहाँ दो पॉइंट सिचुएशन दो पॉइंट है तो y2 माइनस y1 x2 माइनस थ्री बदल देना एम दिया तो ठीक है एम दिया तो ठीक है एम नहीं दिया गया दो पॉइंट दिया तो एम का वैल्यू दो पॉइंट वाला बैठा दे और ये तो आ गया x माइनस x2 पर्सनली फॉर्मूला याद रख पाएगा ना सर कभी याद नहीं रख पाएगा इतना लंबा चौड़ा भुला जाएगा इसीलिए हम क्या याद रखें एक लाइन अगर एम दिया तो ठीक है और एम नहीं दिया एम नहीं दिया तो हम भी दो पॉइंट वाला एम का जगह बैठा देंगे। हां सर चलो अब बैठा दीजिए y - y1 y1 कौन है -1 है ना y1 क्या है -1 और ये पहले से माइनस है तो क्या जगह प्लस क्या समझ आ रहा है y2 कौन है देखो यहां पांच y1 कौन है -1 तो प्लस 1 हो जाएगा x2 कौन है है और x1 कौन है क्या समझ आ रहा है x माइनस x1 x माइनस x1 और x1 कितना समझ आ रहा है तो ये तरह गया y प्लस 1 छः बटे दो दो दिया छः और यहाँ कितना है x माइनस तो हम बोले थे अगर ये आंसर नहीं है तो तुम ऐसे कर क्या कर y प्लस 1 बराबर 3x माइनस 3x माइनस क्योंकि कट गया और पिछला क्वेश्चन में बट्टा नहीं था तो बटन था इधर घूमा लेकिन कट जा रहा है तो कहीं इधर तो कुछ आ नहीं रहा तो उधर कट जाए अब यार तुमको पता है x इस बार पॉजिटिव है और वहां क्या पता था देखो x नेगेटिव है x बार और इस बार x पॉजिटिव है x बुला लिया तो इस बार x को जोड़ा नहीं है तो 3x x को पॉजिटिव रखना है चाहे जिधर भी जाए y इधर के तो माइनस तीन होगा क्योंकि इस बार y वाले ना आता इस बार इसको बुलाया पिछला बार अब याद कर माइनस होगा इक्वल टू कितना हो जाए अब ये आया थ्री एक्स माइनस वाई माइनस चार ये ऑप्शन है क्या ये ऑप्शन है क्या नहीं है थ्री एक्स माइनस ऑप्शन जीरो होना चाहिए ऑप्शन नहीं तो नॉट होगा देख लेते क्या है कौन रही सवाल है कहाँ से उठाए सवाल तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि ऑप्शन कहीं नहीं है तो ऑप्शन कहीं नहीं है एक नॉट है क्या समझ आ रहा है चलो पहले नॉट कर लो
देखो अभी हम लोग देखे जब एक पॉइंट बताओ और एक एम बताओ तो वाई माइनस वाई वन और एक्स माइनस एक्स वन आगे एम लिखे, और जब कभी दो पॉइंट बताओ और स्लोप ना बताओ तो एम के जगह क्या बैठा देना है, वाई टू माइनस वाई वन दो पॉइंट वाला बैठा देना। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रश्न में क्या होता है, सी एम पहला बताए पी एम, दूसरा बताए पी बी, पी बी मतलब दो पॉइंट, समझ आ रहा है ना, पी क्यू या पी बी जो बोलना है दो पॉइंट होना चाहिए। और अब बता रहे सी एम, पी एम शुरू बताए कि एक पॉइंट का क्या स्लोप, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन बताए थे जिस तरह क्वेश्चन बताया उसे क्वेश्चन करवा रहे, अब बता रहे क्या बता रहे सी एम, जहाँ इंटरसेप्ट बताओ होगा एम बताओ, पहला में क्या बताता हूँ पॉइंट और एम तो क्या लिखे वाई में से वाई वन और एक्स में से एक्स वन, और एम यहाँ लगा जब दो पॉइंट पता चला तो वाई में से वाई वन, और जब जब एम बताएंगे नहीं तो पॉइंट बताए एम वाला कौन डाल दिया वाई टू वाई वन, क्या समझ आ रहा है, और यहाँ क्या होते हैं एक्स माइनस एक्स वन, जब एम बताया कि लगा और जब एम नहीं पता तो पॉइंट पता तो दो पॉइंट वाला लगा एम हटा दे, और अब बताया क्या सी एम, क्या पता है सी एम, और सी एम में बताया थे क्या y equal to mx plus c, और ये बताता है y क्या बताता है y, अरे क्या बताता है slope, इसको बोलते हैं c m y cut, अगर दोनों कट चाहिए तो चौथा इक्वेशन सामने है, समझ में आ रहा है, दोनों कट चाहिए तो दोनों इक्वेशन सामने है। आ जाओ find the equation of line which cut off intersect minus 5 on y x, देखा c क्या बताया था y cut पता होना चाहिए, y कट देगा तो उसने c दिया y cut minus 5, और स्लोप कितना बताया 1/5, यहाँ पे तुम देखा कि तेरा वाई कट दिया हुआ है सी दिया हुआ है माइनस पांच, अरे वाई में जितना कट करेगा सी, एक वाला बोला सर दोनों कट चाहिए तो दोनों कट नीचे वाला है चौथा इक्वेशन, तो अगर वाई कट कितना है सी माइनस और एम तेरा कितना बताया, अब सी एम बताया और सबसे पहले पी एम बताता है इसके बाद दो पॉइंट बताता है इसके बाद सी एम, तो याद रखना इक्वेशन कैसे लिखते हैं पता है y equal to mx plus c, ऐसे लिखते हैं उसको सी बोलते एम तेरा दिया है वन बाय वाई बाय टू, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर बात करें तो क्या बताया y equal to mx plus c, ये वाला लगाना है तीसरा इक्वेशन, समझ आ रहा है, अब याद कर पता है y का मान कितना है जी वाई वाई रहेगा, एम का मान कितना हाफ एक्स होगा और सी का मान कितना है, तो इस सवाल कौन सी वाई कट और सी जिसको बोलते हैं सी एम, समझ आ रहा है, चलो अगर एक टू इधर करना चाहता है कि डायरेक्ट टू नहीं होता पहले एलसीएम ले पूरा में टू रहेगा तब उधर जाएगा, तो याद कर वाई बराबर कितना हो गया टू और यहाँ एक्स हो गया और कितना हो गया दस, आराम से क्रॉस कर दो टू वाई और एम तेरा चला जाएगा एक्स माइनस दस, तो याद कर इक्वेशन किसके हिसाब से जाता है एक्स, जब x पॉजिटिव है तो y को आना पड़ेगा, और जब y नेगेटिव हो x नेगेटिव होगा तब x आएगा, तो याद कर x के हिसाब से y को आना पड़ेगा, और जो आंसर मेरा ये आया देख लो कहीं ऑप्शन नहीं है x माइनस y पहले तो ऑप्शन है, समझ आ रहा है, तो बता दो तीसरा क्वेश्चन जो होंगे क्या देखा इस बार क्या पता था c, और c को बोलते हैं y का एम पता था, समझ आ रहा है, चौथा इस बार वहां तीसरा में y कट खेल होता और चौथा इक्वेशन बताए थे x कट और y कट दोनों पता था, या अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट माइनस थ्री, मतलब व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कट, इसका मतलब क्या होता है तेरा ये तेरा क्या होता है कट, x में कितना कट किया माइनस थ्री और y में कितना कट किया दो, देखो एक्स वाई लिखा है, इस बार अगर दोनों में कट देगा क्या देगा दोनों में, इसका इक्वेशन बताया थे क्या बताया था x के नीचे x कट बताया, चौथा इक्वेशन तीसरा इक्वेशन क्या होता है तीसरा इक्वेशन क्या होता है वाई कट और चौथा क्या होता है दोनों कट, तो एक्स का कट एक्स के नीचे बैठा और वाई का कट वाई के नीचे बैठा और इक्वल टू क्या होगा, समझ आ रहा है, एक्स कट कितना दिया माइनस वाई कट कितना दिया, एक्स कट कितना दिया वाई का कट कितना दिया, तो एक्स का कट नीचे वाई का कट नीचे जब दोनों कट होगा और जब वाई कट देता है तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस क्लियर है, तो ये दोनों डिफरेंस क्या है वाई कट पता है यहाँ दोनों कट पता है एक्स वाई में दोनों कट होगा, देन यहाँ लिखा था इंटरसेप्ट माइनस पांच और वाई एक्स, और यहाँ देखो इंटरसेप्ट माइनस तीन दो एक्स एंड वाई दोनों कट, तो तीसरा चौथा में डिफरेंस समझ रहा है, तीसरा में क्या होगा एक्स कट पता होगा वाई कट पता होगा और चौथा में दोनों, अच्छा दोनों कट देगा एक्स के नीचे एक्स कट बताओ वाई के नीचे वाई कट लगा दो, अगर ये आंसर है तो अच्छा बात है आंसर तो आ गया,
नहीं समझ आ रहा। अगर एलसीएम नहीं होता तो बता देते इसको क्या करता, इसको कुछ करता नहीं, एलसीएम नहीं होता, क्या ले लेते एलसीएम। तो याद कर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे समझ आ रहा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे यहाँ पे चलो देखो यहाँ पे इसका सॉल्व यहाँ कर देते ठीक है, इसका सॉल्व अगर यहाँ कर ले तो इसको लिखो एक्स का कट कितना माइनस माइनस और वाई का कट कितना हो गया दो, ये दो हो गया, अब सब लोग बढ़ा दिया बिल कभी ऐसा नहीं रहेगा, इसको तुम ऐसे लिख दो माइनस ऊपर जा सकता है, कोई चीज अगर हाफ और यहाँ माइनस और कोई चीज ऐसे यहाँ है दोनों बात बराबर है, माइनस भी कर जाए उसी फैमिली में समझ आ रहा, और एक कितना होगा वाई बाई टू इक्वल टू कितना होगा एलसीएम, तीन और दो कैल्सियम छह होगा तो एक कितना हो जाएगा टू एक्स समझ आ रहा, दो तिया होगा दो तिया होगा कितना होगा थ्री वाई इक्वल टू, अब यहाँ से 2x plus 3y equal to कितना मिल चुका है, तुमको भी पता है कि x negative आ चुका है, किसी भी हाल में x क्या होना चाहिए, तो हम लोग को x उधर लेना है ना, कितना जाएगा 2 इधर ले जाएगा 0 equal to 2x और इसके चक्कर में y उधर जाएगा और equal to क्या हो गया plus 6 नहीं गया 6 उधर है, तो याद रखना x जिधर पॉजिटिव बन जाए उधर लगना, वाई चाहे नेगेटिव पॉजिटिव पूछो मैंने उससे मतलब नहीं, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्शन ऐसा होगा ऐसे वहां तो इजी था, यही सवाल है इसी इसी चौथे इक्वेशन का, बोल रहा था इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस लाइन इससे पास किया यस सर, समझ आ रहा है सर, फाइंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस कैसे लिखा, ऑन एक्सिस होना चाहिए, एक मिनट मिला लेते हैं, क्या लिखा ऑन 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 एक्सिस, गलत लिखा है ऑन एक्सिस, ऑन द एक्सिस मतलब दोनों पे समझे, एक्सिस होना चाहिए दोनों एक्सिस पे, क्या क्या इक्वल पे, अभी क्या बताया एक्स में इतना कट हुआ वाई में इतना कट हुआ, तो एक्स में माइनस तीन कट बता रहा था इस तरह कि एक्स में आपका कितना कट हुआ माइनस तीन, मतलब नेगेटिव एक्स में कट किया होगा माइनस तीन समझ आ गया, और वाई में कट कितना किया तो ऐसे कट हुआ, लेकिन इस बार बोल रहा है ना कि नहीं इस बार दोनों इक्वल कट कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ध्यान दे रहा है देखो इस तरह से कट हुआ होगा तो मतलब यहाँ भी ये होगा और यहाँ भी ये लेना पड़ेगा, इक्वल कट किया है, हम लोग को पता है कि जब इक्वल कट करें क्या करें, इक्वल कट करें तो हमको पता है इक्वल अगर कट करें क्या करें, इक्वल कट इक्वल कट करना है ना, बहुत दिक्कत है इसका इक्वेशन इतना बड़ा लिखना पड़ता है जिसकी वजह से जगह नहीं बचता दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में, याद करें एक्स के नीचे एक्स का टी बताया, वाई के नीचे क्या बताया इक्वल टू वन, ए बढ़ेगा समझ में आ रहा, अब एक्स का कट माइनस तीन बैठा है, यहाँ क्या बैठा है एक्स के नीचे माइनस तीन थ्री बैठा है ना, हाँ सर वाई कट कितना बताया दो, लेकिन इस बार का क्वेश्चन में एक्स और वाई कट दोनों बराबर है, तो बता अगर एक्स ए लिए तो वाई के नीचे भी क्या लिए, ये अगर सपोज तुम यहाँ के आ रहे हैं बी तो ए भी तरफ बी ले, तो ए ले चाहे बी ले लेकिन दोनों बराबर है समझ में आ रहा, तो हम एक्स का कट इस बार कितना बताया दोनों बराबर क्लियर है, अब आ जाओ इसको एलसीएम ले क्या कर लो एलसीएम, अरे तेरा वन वन तो याद कर एक्स प्लस वाई बराबर इक्वेशन आ गया आ गया तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है सर कि एक प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे एक्स वाई तो आया और यहाँ ए पते नहीं चल रहा है, अगर ए पांच भी आता तो यही आंसर तो सुन सुन ई पॉइंट इसलिए दिया है कि ताकि ए निकले, तो बता दो मेरा इक्वेशन कौन है यही वाला, इक्वेशन तो मेरा यही है, अच्छा एक बात x का कट पता है माइनस थ्री, x के नीचे क्या रखा माइनस थ्री, y का कट कितना रखा दो, y के नीचे क्या रखा दो, इक्वेशन बन गया, हाँ सर उसी तरह जब इस सवाल में होगा कि कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, मतलब एक्सिस मतलब समझ दोनों एक्सिस, और जब दोनों एक्सिस को अगर कट किया इक्वल तो हम भी तो यहाँ बैठा है एक्स के नीचे वाई के नीचे बराबर कट हुआ, अब वो कुछ नहीं दिया कितना कट है तो हम बराबर लिखे, वो खाली बोला था बराबर, अब पांच कट है कि दस कट है पता नहीं, तो एक्स के नीचे क्या ले लेंगे वाई के नीचे क्या ले लेंगे इक्वल टू क्या होगा वन, इसको जब एलसीएम लिए तो वाला इक्वेशन बना बनाएंगे, तो मेरा इक्वेशन यही है, अगर ए पता होता ना तो आज इक्वेशन यही है, आज अगर ए पता होता तो मेरा इक्वेशन यही है, तो आ जाओ यहाँ से समझेंगे नहीं, अगर x का कट माइनस तीन दिया तो x के नीचे माइनस, y कट दो दिया तो y के नीचे, और आज क्या बोला कि x का कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, मतलब x कट और y कट बराबर है, अगर x एक्सिस में पांच कट हो रहा है यहाँ भी क्या हो रहा है पांच, तो इसका मतलब x के नीचे a होगा तो y के नीचे होगा,
एक्स के नीचे बोलता दू तो यहाँ बोलता पांच, तो नीचे एक्स के नीचे दू पांच होता, क्या समझ रहा है? मेरा आंसर यही हुआ, लेकिन थोड़ा क्लियर फंस गए क्योंकि ए तो दिया लेकिन पूरा क्लियर नहीं। तो मतलब इक्वेशन में अगर ए बता रहा था तो एजुकेशन नहीं होता। तो सुनो ये पॉइंट क्या है, कोई भी लाइन इसी से पास कर देखो, समझ आ रहा है? जब इक्वल कट हो गया होगा तो लाइन क्या किया इस पॉइंट से क्या किया पास, पास करना मतलब कोई से वह ऐसे चढ़ के गुजर चढ़ के। और याद रखना कभी भी कोई लाइन मान लो टू थ्री है, अभी तरह इक्वेशन दिया टू एक्स थ्री वाई इक्वल टू पांच ऐसा दिया है, ये लाइन का इक्वेशन है और ये पॉइंट दिया जो लाइन इस पे क्या कर रहा है चढ़ के गुजर रहा है, चढ़ के मतलब उसको ऊपर से नहीं उसको टच करते हुए गुजर रहा है। तो जब ऐसा गुजरता है ना तो मतलब एक पॉइंट क्या होता है, मान लो मेरा हाथ है ए इंक है और ऐसे यहाँ टच कर दिया तो पॉइंट वहां बैठेगा, बैठा नहीं बैठा। उसी तरह कभी भी अगर एक पॉइंट कभी भी अगर इस लाइन से टच कर रहा होगा तो इसका मतलब पॉइंट इस पे बैठ गया। तो जब पॉइंट बैठा पॉइंट कहाँ बैठा हुआ है ना यार, लाइन से गुजर पॉइंट समझा ना। और जब लाइन से अगर पॉइंट गुजर रहा है तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ बैठा है लाइन, तो क्या करना ये एक्स है और वाई है, तो कभी भी बोलेगा पासेस तो मतलब पॉइंट कहाँ पास कहाँ बैठेगा लाइन के, तो एक्स के जब दो बैठा देना और वाई के जब हमें तीन बैठा इक्वल टू का, समझ में आ रहा है? तो ये तो मेरा लाइन के क्वेश्चन हुआ। अब ये लाइन क्या किया इस पॉइंट से क्या कर गया क्रॉस कर क्रॉस मतलब गुजर गया चढ़ के गुजर गया। तो चढ़ के गुजरना मतलब पॉइंट और लाइन दोनों टच कर गया, मतलब ये पॉइंट नहीं लग रहा कि ये पॉइंट तुमको ऐसा लग रहा होगा ये पॉइंट इस पे बैठा हुआ है लग रहा है। तो जब पॉइंट इस पे बैठा हुआ है हकीकत में बैठा हुआ पॉइंट क्या लग रहा है लाइन पे बैठा हुआ है। तो जब पॉइंट अगर लाइन पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब पूरा हकीकत बैठा हुआ मतलब ये एक्स के जब बैठा हुआ मतलब पॉइंट बैठा हुआ है मतलब सच में बैठा हुआ है। यही क्वेश्चन था तो x प्लस कितना हो गया x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया यही लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल रहे थे। ये लाइन का जो इक्वेशन निकाल रही है ना लाइन जी जो x को भी कट किया y को बराबर और यही लाइन क्या अगर पास अगर ये लाइन इससे चढ़ के गुजर रहा है तो ये पॉइंट कहाँ चिपक गया होगा, अगर ये लाइन से गुजर रहा है तो ये पॉइंट कहाँ चिपक गया होगा यही लाइन समझ रहा है। अगर x का कट ए बताया y का कट ए दोनों बराबर तो क्या लिखा x के नीचे y के नीचे बराबर है, हां सर इक्वेशन बना है। अब ए जो लाइन आया यही आंसर है, हां सर। अब ये इसका ई आंसर किसका होगा ये लाइन 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 का लाइन देखते हो यस सर, ये तो x एक्सिस से y एक्सिस लाइन है। अब ई लाइन के लिए क्वेश्चन ये होगा, लेकिन ई लाइन क्या क्या कुछ देर के बाद पता चला किसी पॉइंट को उचलते हुए निकल गया चढ़ते हुए निकल। तो जब चढ़ा होगा तो पॉइंट उस पर टच करके होगा नहीं लग रहा है पॉइंट इस पे बैठा हुआ है इस लाइन पे बैठा है। जब पॉइंट अगर इस लाइन पे बैठा है बैठा जैसा लग रहा है तो मतलब इसका मतलब पॉइंट कभी भी बैठ गया होगा ना, तो ये एक्स और वाई के जब बैठा है समझ आप एक्स के जब कितना बैठ गया दो समझ आ रहा है क्या बैठ गया दो समझ आ रहा है क्या और वाई के जब कितना बैठ गया तीन इक्वल टू क्या हो गया एक अभी कितना हो गया पांच आया नहीं आया नहीं आया ये पांच आया तो बता दूं मेरा तो इक्वेशन वही आ गया खाली ये बता इसको हम कहां फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन तो वन से अगर बात करेंगे x प्लस y और एक जब कितना आ गया आएगा मैं सवाल वन समझ आ रहा है सवाल नंबर कौन ऑप्शन सी नंबर सेम सवाल चलो एक बार रिपीट करते हैं। ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पर मतलब पासेस मतलब समझिए हां सर कि पास कर रहा मतलब एक पॉइंट लाइन में बैठता है हां सर कि पास कर रहा मतलब पॉइंट में लाइन में बैठ पॉइंट जो लाइन में बैठ है चेक कि इकाई दिया पता है सर कि क्यों दिया तुमको भी पता है क्यों दिया तुमको भी पता है क्योंकि कुछ निकाले लोग जब भी पॉइंट देता है इसका मतलब पासेस जा किया तो लाइन में जो कट बढ़ रहा होगा निकालने के लिए हां सर कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस यहां भी एक्सिस किया एक्सिस होगा तो मतलब एक लाइन है जो दोनों एक्सिस को क्या किया इक्वल कट किया। जब इक्वल कट करेगा इक्वल कट करेगा तो एक्स दोनों एक्सिस को तो चौथा इक्वेशन लेगा और वाई खाली कट करेगा तो तीसरा लेगा और दोनों एक्सिस को कट करेगा तब चौथा इक्वेशन लेगा। और दोनों कट तो कर रहा है लेकिन इस बार अलग अलग से ये बता दो इसमें से होना एक्स बाय वाई बाय इक्वल टू अगर एक्स को इक्वल कट किया और वाई को एक्स के नीचे ए बैठा और वाई के नीचे दोनों सेम लेना है तुम यहाँ एफ लो चाहे जी लो लो दोनों चीज लेना है क्लियर है। अब यार फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एक्स प्लस वन
बराबर ए इक्वल टू वन। अब यहाँ से फ्रेंड जॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाता है? बस सर मेरा इक्वेशन ये होगा। हाँ सर इक्वेशन ये होगा, लेकिन थोड़ा सा क्यों फंस गया मैं समझ। हाँ सर इक्वेशन क्या होगा? वन एक्स के नीचे और वाई के नीचे बराबर लेना है इक्वेशन आ गया। हाँ सर तो याद पे एक क्वेश्चन का आंसर, लेकिन बस रुक क्यों रहा है? एक रुक रहा है, पकड़ी चलती थी पॉइंट कि ये लाइन जो है कहां से पास कर रहा है, पासेस लिखा हुआ कहां से 1, 2 तो पास करना ये लाइन अगर इसे पास कर रहा होगा कहां से 1, 3 से, तो 1, 3 कहां चिपक गया लाइन पे, मतलब ये एक्स के जब चिपका देना है पास करना, मतलब चिपका देना था पॉइंट, अगर लाइन में चिपका तो मतलब पॉइंट वाइज गले हो ये तो समझ गए कि हाँ पॉइंट पर चिपे गए, चिपको की फंडा है अगर पॉइंट एक्स में, अगर पॉइंट लाइन में चिपका है लाइन जा रहा है, अरे पॉइंट 1, 3 क्या है 1, 3 लाइन में बैठ गया, तो इसका मतलब एक्स के जब 1 बैठा देगा हकीकत में बैठा देगा, या एक्स के जब कितना बैठा देगा, एक्स के जब 1 बैठा देगा और वाई के जब कितना बैठा देगा, समझ आ रहा है? इक्वल टू कितना है और यहां से तेरा ए जो आया कितना है? अच्छा यार यस तो बता, हम लोग को पता है कि क्वेश्चन तो यही था ऐसा, तो पॉइंट से पास करवाए ए आके यही ए यहां बैठा दो यही क्वेश्चन, शुरू में इससे पता है कि हमने क्वेश्चन यही है खाली रुक कौन चला ए ए के लिए, तो एक पॉइंट जो दिया था ए निकाल के, अच्छा ए निकल गया यहां बैठा दो वही क्वेश्चन, हमको शुरू से पता था। हां ये बात है एक्स और वाई को इक्वल करते हैं, यहाँ एक्स को माइनस 3 कट गया इसलिए अलग अलग, लेकिन यहाँ एक्स और वाई को क्या कट गया, एक्स के नीचे वाई के नीचे दो काम, एक्स में नीचे एक कट वाई के नीचे बराबर कट गया, सॉल्व करना यही क्वेश्चन या फिर ए निकालने के लिए पॉइंट दिया है वही पॉइंट, अगर ये पॉइंट क्या होगा लाइन से पास करना होगा, पास करना मतलब जहां कोई लाइन पास कर लो तो सर्कल पास कर लो मतलब पॉइंट हुआ वहां चिपक दो, एक्स के जम कितना बैठा था 1 वाई के, मतलब पासेस करना मतलब एक्स के जम बैठा वाई के जगह ये निकल गया, दो पॉइंट बराबर कट लेना और ये पॉइंट को क्यों दिया रहता है एक्स के जम निकल गया, तो क्वेश्चन यही हो गया, अगर ये पता होता तो यही क्वेश्चन होता, अभी पता चला फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4 तो देखो ऑप्शन है ए नंबर थोड़ा सा मतलब पॉइंट स्लोप ही है, पहला पॉइंट फिर वापस गया, मतलब एक पॉइंट का एक स्लोप बताना चाहिए लेकिन थोड़ा मिक्स करके बता, मिक्सिंग क्वेश्चन थोड़ा बोल सकते हो उसका, यानी एक्चुअल में एक पॉइंट पता है क्या आपको पता है, एक पॉइंट पहला में क्या पढ़ाते हैं एक पॉइंट एक सौ एक पहला में क्या पढ़ाते हैं दूसरा में क्या पढ़ा दो पॉइंट दो पॉइंट पी क्यू तीसरा में क्या पढ़ा सी एम वाई कट इसके बाद क्या पढ़ा एक्स कट वाई कट एक्स कट वाई कट इन पढ़ा अब पांचों नॉर्मल अभी आए नहीं। अच्छा एक बात बताओ एक पॉइंट पे स्लोप किया फिर देखा कि दो पॉइंट किया जहां एन नहीं दिया था तो वाई टू आया सी एम मतलब वाई कट बता मतलब दोनों कट एक कट दो पॉइंट एक यहां देखिए यहां एक पॉइंट दो पॉइंट और यहां एक कट दो कट ये क्या है कहीं कट लिखा है क्वेश्चन नहीं लिखा तो ये दोनों का बात कोई कट का बात नहीं अब बात रहा दो पॉइंट कहीं है क्या ये भी कट सिर्फ एक पॉइंट है पहला वाला क्वेश्चन है क्या समझ में आ रहा है तो बोल रहा है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट कोई लाइन होगा जिसका इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास किया एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास किया इसका नाम है 4, 3 और इसी का इक्वेशन चाहिए इसी का इक्वेशन चाहिए एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास किया एक पॉइंट से गुजर रहा है ना गुजर रहा है ना तो बताओ जब पॉइंट दिया अच्छा दो कट एक कट खत्म हो गया तीसरा चौथा दो कट दो पॉइंट भी नहीं ये भी तीसरा खत्म हो गया पॉइंट दिया है उसके साथ एन देना चाहिए अगर पॉइंट दिया पॉइंट का क्या पड़ा या तो एक कट या तो दो या तो एक कट या तो दो देना पड़ा तो कट का कोई चर्चा नहीं कट साइड होगा बचा पॉइंट में भी कौन दिया दो पॉइंट नहीं एक पॉइंट और जब एक पॉइंट के साथ देता है ना तो एम जरूर देना चाहिए लेकिन एम इसका हमसे कुछ नहीं क्वेश्चन का भैया एम देना चाहिए अरे पॉइंट देने से क्या हो जाएगा तो बोला अच्छा ठीक है उसके लिए हम आपको एक चीज देते हैं वो डायरेक्ट एम नहीं बता दिया
उसके जगह में कुछ अलग रिलेशन करके दिया, बोला पैरेलल टू द लाइन, मतलब एक लाइन है अदर लाइन दूसरा लाइन जिसका इक्वेशन दिया इसके बदले में एक लाइन दे दी जो इसका क्या समझ में आया याद कर। अगर इसका स्लोप M1 मानेंगे इसका स्लोप हम क्या मानेंगे M2 मान लिए। और तुमको पता है कि स्लोप तीन कैटेगराइज करता है, अगर थीटा पता होगा तो टेन थीटा होगा, जब दो पॉइंट पता होगा तो ए वाला बन जाएगा। क्या समझ आ रहा है? ये दो पॉइंट थीटा लगा तीन वाला स्लोप, अरे थीटा लगा तीन वाला एंगल पॉइंट लगा दे लगा। और कहीं बताए थे अगर कोई इक्वेशन हो तो एक्स के आगे वाई है, क्या यहाँ थीटा है? क्या दो पॉइंट है? मतलब क्या एक लाइन है? लाइन का जब स्लोप निकाल रहा हूँ याद कर x के आगे, सॉरी x के आगे y के आगे माइनस माइनस स्लोप आ गया। तो बताइए स्लोप किससे निकला? ना थीटा ना पॉइंट, ना थीटा ना लाइन से, लाइन से। समझ में आ रहा है? याद क्या? अब बताओ, अब बोला हमको तो चाहिए स्लोप इसका, ऐसा स्लोप इसका निकल गया, जो लाइन तेरा अदर लाइन दिया है उसका स्लोप निकल गया। स्लोप हमको हकीकत में ये चाहिए, लेकिन बोला क्या दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या बताया था M1 equal to M2, जितना M2 आएगा तो याद कर M1 का मान जो आ गया वो कितना आ गया फोर पैरेलल। समझ आ रहा है? फोर पैरेलल के क्या होता है M1 equal to M2, हम उतना दिमाग में लगाएंगे अगर ऑब्जेक्टिव चल रहा है तो बता M1 तेरा कितना आ गया, M1 कितना आ गया, ये बोला होता है। अब बता दो पॉइंटर एम पता चल गया। और शुरुआत क्वेश्चन जब इसका क्या था पॉइंट और एम मुहा तक दे दिया, और अगर मुंह से छीन लिया था बोला कि अगर दम है तुम जाके वहां जाके खा लो। समझ में आ रहा है? तो बता समझ में आया याद पॉइंट भी पता चल गया और क्या चल गया स्लोप। समझ आ रहा है? अगर पीएम पता हो याद कर बताए एक पॉइंट दो और एक एक कर दो कर, इनफैक्ट दो कर तो खत्म करो पॉइंट ले, तो यहाँ पता चला एक पॉइंट एक तो याद कर बताए कि वाई वाई माइनस वन और बताए थे एक्स माइनस एक्स वन जो कि एक्स वन है तो वाई वन। समझ आ रहा है? और एम अगर पता है यहाँ ए बताए थे तो वाई में से वाई वन तीन और एक्स में से एक्स वन तेरा चार और एम जो पता नहीं था वो निकाल लिया। समझ आ रहा है? लहर एम पता है और दो पॉइंट वाला में पता नहीं रहता वन इक्वल वाई टू वाई वन, तो बता दो चार इधर गया बारह गया ये थ्री एक्स तो तुमको भी पता है कि एक्स जिधर पॉजिटिव हुआ उधर ले जाए तो थ्री एक्स इधर रहा तो बारह भी इधर आएगा ये सब सब इधर रहेगा प्लस फोर वाई माइनस बारह और माइनस बारह या तो क्या आ गया थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस चौबीस इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वेशन ऑफ क्या है थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस चौबीस नहीं है ऑप्शन। हाँ कोई बात नहीं मैं ये क्या किया ना एक्स वाई इधर रहने दिया और माइनस बारह को उधर ले लिया चौबीस कर दिया तो तुम चाहे इसको ऐसे भी कर सकता है और वाई इक्वल टू चौबीस तो देख लो ऑप्शन क्या है दी 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 दी। क्या समझ आ रहा है? हाँ सर। तो एक क्वेश्चन में इतना अच्छा से बताया दूसरा क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ आ रहा है? हाँ सर। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पैरेलल है दिस लाइन ये लाइन का पैरेलल सेम बताया। हाँ पहले पॉइंट पहले लिख दिया और पैरेलल कोई दिक्कत नहीं पैरेलल पता और एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो दिस लाइन का पैरेलल है इस लाइन का पैरेलल है और पास खुद कहां से कर रहा है एक लाइन जो चाहिए जिसका इक्वेशन चाहिए वो इस पॉइंट से पास कर ये पास किया तो हम लोग को पता है कि पॉइंट अगर दिया है तो एम देना चाहिए लेकिन इसका कहना है कि हम एम आपको नहीं देंगे एम आपको नहीं देंगे। समझ आ रहा है? तो बोला यार तुम नहीं दिया तो फिर निकलेगा कैसे? बोला इसके बदले में कुछ बता रहे उसको सोचो। समझ आ रहा है? बोले क्या कि जो लाइन का इक्वेशन चाहिए थे ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो तुम फाइंड कर रहे हो जिस लाइन वो पैरेलल किसका है। क्या समझ में आ रहा है? इसका तो पैरेलल तो बताया इसका क्या बताया पैरेलल क्या बताया पैरेलल इसका पैरेलल और क्या बोला पासिंग थ्रू पॉइंट इसका
भाई नॉलेज इक्वेशन है, इससे पास कर रहा है और किसका पैरल है 3x माइनस, तो मतलब देखो पास इससे किया और पैरल मैंने बता दिया। हां सर, तो बोले यार एन को नहीं दिया, बोला दम निकालो, दम निकालो, इससे कुछ नहीं है। यस सर, एक बात बोलो, ये दोनों लाइन क्या है? यस सर, समझ आ रहा है? हां सर, एक बात बोलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। यस सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल दिस लाइन। यस सर, मतलब इस तरह निकालना है, इक्वेशन क्या निकालना है? निकालना है फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन अलग है फाइंड। यस सर, और क्या है पैरल? पैरल किसके साथ? इसके साथ। पैरल हो गया। यस सर, और ये क्या निकालना है? निकालना है, और जो निकाल रहा है वो कहां से पास कर रहा है? तो हम लोग को पता है कि एक लाइन इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और एम चाहिए, क्या चाहिए? एम पता नहीं है तो बोला एम नहीं पता, हम क्या करें? हम आपको कुछ रिलेशन दिए जी, जब मैं काम निकाल लू, हम बोले कोई बात नहीं, या अगर यहाँ थीटा पता होता तो एम लगाने के लिए, एम निकालने के लिए ई लगा दिया। अगर दो पॉइंट पता होता तो वाई टू माइनस वाई वन, और लाइन पता है तो या स्लोप किस तरह का है, थीटा रहेगा टेन थीटा, पॉइंट रहेगा पॉइंट, और लाइन रहेगा तो याद कर इस लाइन का। अच्छा ई लाइन का इक्वेशन है तो ई लाइन का स्लोप निकलेगा एक्स के पहले तीन और वाई के पहले माइनस चार, या तो इस स्लोप जो है ई लाइन का जिसका इक्वेशन दिया हमको, जो पूछ रहा है उसका इक्वेशन पूछ रहा है, अरे ए लाइन दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया था, इसे स्लोप निकाल लिया। और याद कर अगर दोनों पैरेलल है तो m1 का भी स्लोप क्या हो जाएगा? m1 का भी स्लोप क्या होगा? ये हो जाएगा 3/4। समझ में आया? तो कुछ नहीं करना था, इसका स्लोप निकाल लेना था। अब पैरेलल में उस इसका स्लोप निकाल लेना था दूसरा लाइन से, वो डायरेक्ट इसका स्लोप नहीं दिया, बोला सोचा कि दूसरा वाला दे देते लाइन उससे तुम निकाल लो। अब पैरेलल मतलब होता है, पैरेलल मतलब होता है कि इसके बराबर होगा। अगर लाइन का अगर तीन पांच है तो इसका भी पांच होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो देखिए दो कौन से बड़ा बड़ा, पहले तो स्लोप आना चाहिए कि थीटा देगा क्या निकालना है, पॉइंट देगा क्या, लाइन देगा क्या, एक्स क्या आगे बढ़ेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट लगा कि पहले एम निकालने आना चाहिए, अगर एम निकालने आ गया तो ये भी दूसरा बात आना चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट की पैरेलल में होता क्या है, तो निकाल लिया। अगर पैरेलल नहीं जानोगे तो फिर कैसे जानेगा, यही वाला अगर चीज होगा। तो दो पॉइंट, एक स्लोप आना चाहिए और पैरेलल जो इसका है फाइंड वाला भी होगा। याद कर p पता चल गया माइनस टू थ्री, और m पता चल गया 3/4। क्या समझ आ रहा है? याद कर इसको बोलते हैं x1 y1। तो एक पॉइंट एक स्लोप पता है तो पहले इक्वेशन लेता है y में से y1 और x में से x1। समझ आ रहा है? एक पॉइंट ले रही, और जब m पता है यहाँ m है, और जब दो पॉइंट देता है तो वहाँ m पता नहीं रहता है, वहाँ y2 y1। फिर यहाँ पॉइंट एक पता है और एक स्लोप पता है, तो y में से y1 y1 कितना है और x में से x1 मतलब m तरह के भाग गया 3/4। समझ आ रहा है? अब याद कर बटा गया इधर से घूमने का 4y, ये कितना हो गया, अरे कितना हो गया 3x+6। यार अब तुमको भी पता है कि x इधर पॉजिटिव होता है, x इधर और y वाला क्या हो गया इधर गया। समझ आ रहा है? देखो इस बार सब एक साइड लाया तो x वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y कांस्टेंट हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, x y x सेम जगह, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो y इधर गया और माइनस प्लस 6 इधर और माइनस 12 इधर आ गया। अरे भैया x से तो उधर ही रहेगा, y इसम ना कितना है 0/3x माइनस 4y प्लस 18। अब याद करो ऑप्शन कौन मिल रहा है? c, ऑप्शन c नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी 3x। अब एक बार तो अभी कॉन्स्टेंट क्यों पागल हो रहा है? हम एक तरफ लाए थे टेंशन नहीं मिला उधर ले, कॉन्स्टेंट से कोई दिक्कत है, कॉन्स्टेंट उधर उधर हो सकता है, लेकिन एक्स क्या होना चाहिए? आज का क्लास यही रहते तो बस थोड़ा सा बचा होगा।